चित्तौड़गढ़ जिले में कोरोना को मात देने के लिए एक बार फिर से टीकाकरण में तेजी आ रही है। आपको बता दें कि जिले के 122 टीकाकरण केंद्रों पर 13,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया। लोगों को पार्षद की ओर से पर्चियां दी गई थी, जिसे लेकर लोगों को वैक्सीन लगाई गई। जिले में हुए टीकाकरण के बारे में जानकारी देते हुए BCMHO ने बताया कि पिछले दो दिनों से लगातार जिले में वैक्सीन उपलब्ध हो रही है, इसके चलते अब टीकाकरण में भी तेजी आने लगी है। उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ को कोरोना मुक्त बनाने के लिए टीकाकरण करवाने पर जोर दिया जा रहा है और इस कार्य के लिए कई समाजसेवी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं।